अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक खुशबाश और हमेशा की तरह फिट फाट होंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह नौवां रोज़ा और आज मेरे घर में है अफ्तारी। और ये जो आप तीन बुके देख रहे हैं, इसमें से दो दिए निदा ने और एक दिए साजिद ने। और जो निदा ने दिए वो है दोनों तकरीबन 1.5 साल पुराने, और जो साजिद ने दिए है 8 माह हो चुके हैं। सूख गए हैं पत्ते, बिल्कुल कड़क हो गए हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं करता फेंकने को। मैं तकरीबन एक दिन छोड़कर एक दिन इनका पानी चेंज करती हूँ और रोज़ शावर करती हूँ ताकि ये फ्रेश रहें। ये बनाए मैंने दही भले, और दही भले देखिए कितने सॉफ्ट हैं। मैंने चने की दाल और माश के भल्ले बनाए हैं। लोग बेसन के भी बनाते हैं, लेकिन भल्ले हमेशा दालों के मज़ेदार बनते हैं। और ये है चिकन पॉकेट की पॉकेट, यानी ये ब्रेड है, और मैंने इसको अंडा लगा के क्रम्स लगा के इसको रख दिया है, और थोड़ी देर तक इसे मैं करूँगी फ्राई। और ये चिकन पॉकेट का मटेरियल है जो मैंने तैयार करके रख दिया है, और बस फ्राई करूँगी, पॉकेट बनाऊँगी और फिल करके सर्व करूँगी, और मज़ेदार चिकन ब्रेड पॉकेट तैयार हो जाएगा। और ये मैं बना रही हूँ तोर्टिला। इसमें मटेरियल मैंने चिकन पॉकेट वाला ही डाला है, सिर्फ इसमें मैंने ऐड किया है बंद गोभी, और इसमें मैंने शामिल किया है मोज़रेला चीज़। बहुत इजी रेसिपी है, और आप एक ही चिकन से बहुत कुछ बना सकते हैं थोड़ा बहुत बीच में चीज़ ऐड करके। और ये मैंने लिया ग्रिल पैन और इसमें कर लूँगी ग्रिल, और यहाँ मैं बना रही हूँ फ्राइज़। और ये रही चिकन की पॉकेट, इसे मैंने फ्राई कर लिया है, और फ्राई करके मैंने 2 पीस कर लिया। और ये देखिए कितने क्रिस्पी है, कैसी आवाज़ आ रही है। और जब आप इसको फ्राई करते हैं और 2 पीस करते हैं तो ऑटोमेटिक एक पॉकेट सी बन जाती है। और आप इसमें अपना चिकन या कोई भी मटेरियल जो आप पसंद करते हैं खाना, वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। और ये देखिए उसकी गोल शेप है, और मैंने कट लगा के 2 पीस कर लिए हैं। और साथ ही मैं फ्राई कर रही हूँ समोसे। दही भले हो गए हैं रेडी, और अब इसको थोड़ा सा सजा लूँगी, यानी कि इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करूँगी। प्याज, टमाटर, पुदीना, धनिया, ये सब चीज़ें डालने से भल्लों की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है, और जो चीज़ देखने में खूबसूरत लगे वो खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दस्तरखान हो गया है रेडी। पापा लोग भी बस आने वाले हैं, और उसके बाद हम मिलके करेंगे इंशाल्लाह नौवीं इफ्तारी। साजिद पाकिस्तान गए हुए हैं, तकरीबन 20-22 दिन हो गए हैं। अगर वो भी होते तो इस इफ्तारी का मज़ा हो जाता दोबारा। आज इफ्तारी में मैंने बनाया फ्रूट चाट, दही भले, पिज़्ज़ा मैंने बाज़ार से मंगवाया है, समोसे, मैक्रोनी, तंदूरी चिकन और चिकन पॉकेट। चिकन पॉकेट देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, रखे हुए कितनी खूबसूरत लग रही है, तो खाने में कितने मज़ेदार होगी। हाँ गलती से दोनों आलू के बन गए समोसे। नहीं इस टाइम शहर में बड़ा रश हो जाता है। कुछ भी चलेगा, देहाती है, क्या दिया बोले, देहाती हूँ मैं, देसी वाली। सॉरी सॉरी सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सोनू, इतनी लेट क्यों आए मेरे बेटा? मैं बहुत दूरा से ऊंचा बोला करो। चलो खाओ खाओ खाओ, आ जाओ बेटा, क्या लेना है, पिज्जा लेना है? प्लेट ही ना देंगे, वीडियो
कैमरा क्या है नहीं यार डाइटिंग से हमारा हां तुम तो डाइटिंग पे हो तुम्हारे सारे कपड़े छोटे हो गए डाइटिंग पे तो कपड़े छोटे हो गए हां चल ले लो स्पून तलहा जब से रमजान स्टार्ट हुए हम पहली दफा अपने घर में अफ्तारी कर रहे हैं क्या महसूस कर रहे हो अच्छा उठ के तुम्हें जाना नहीं पड़ा तलहा को सबसे मुश्किल काम लगता है कि जाना क्योंकि सो रहा होता है और काम भी बहुत ज्यादा क्या कह रहे हो सारा कुछ बहुत मजे का था तुम्हें तो यकीन नहीं आ रहा मैंने बनाया है मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगी और ये जान मास मेरे नाम का मुझे दिया था फरहाना ने जो वो बनवा के लाई थी मदीना से मैं फरहाना साथ ही गए थे क्योंकि हम लोग साथ ही शॉपिंग करते हैं साथ इतने साल रहे हैं तो अब हम जिधर जाते हैं उधर एक दूसरे के साथ ही हो बताओ ना तुम कुछ हाँ साथ में मैंने भी ऐसे ग्रीन हो रही है हाँ तुमने ग्रीन लिए थे फरहाना भी लिए हाँ सोनिया बर्तन धो रही है हाँ यार मैंने कहा चलो साथ साथ काम भी खत्म हो जाए तारीख के बाद बर्तन वगैरह ये देखे बर्तन धो रही हूँ खत्म हो क्योंकि आज हारिस ने नहीं नहाना तो मुझे खुद ही करना बर्तन तो धो दिए मैं माशाल्लाह क्विक सर्विस का हूँ माशाल्लाह और बाहर मौसम भी बड़ा हसीन है प्यारी मरियम गिलानी भी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तीन महीने के बाद हाँ जी तीन चार महीने तो हो ही गए हैं सोनिया साढ़े तीन महीने तो मुझे हो गए हैं वही ना उसके बाद फिर तो बस फिर अब मरियम होंगे हम होंगे और फराना तुम भी होगी हाँ इंशाल्लाह अल्लाह मुझे सारा दे दो तेरा बेड़ा तो आगे काम का सुकून करेगा हाय 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 इतना गंद तू देख सुना मरियो हैं ओए सोनिया मुझे नहीं 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 तुम्हारे ऊपर करा देगा कौन करा रहा है मुझे लगे इसमें डालने की कोशिश कर रहा है वो देखो पी रहा है पी रहा है कि जो कुछ कैसा है अल्लाह का निशान नहीं वो ग्लास ब्रेक कर रहा है नहीं वो छोटा कर रहा है बहुत प्यारे हैं शुक्रिया जज़ाकअल्लाह शुक्रिया मारिया ने क्यों दिखाई कैसे है माशाल्लाह सूट फायर का वाह 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 फरहाना माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी शहजादी और साइज मेरा ही है बहुत प्यारे शुक्रिया वो मेरा साइज है और ये है ज्वेलरी वाह जी वाह देखें जी देखें भाभी इसको बाद में दिखा देना हाँ पहले आप देखें मरियम मेरे व्लॉग में डालें और खाना ये क्या है अच्छा वो सूट का दुपट्टा है खोल के उड़ा के ले उड़ा के ले बहुत प्यारा है फरहाना शुक्रिया तो सर्दियों का है ना शॉल लग रही है हाँ ये शॉल है बहुत प्यारा फरहाना बहुत प्यारा बहुत शुक्रिया शुक्रिया तुम्हारा जज़ाकअल्लाह कंबल भी लहराता हुआ आ रहा है बीच में
इसको आके आने दे, बहुत प्यारा है। शुक्रिया रानी, शर्ट खोल। हाँ शर्ट खोल के दिखाती हूँ। नहीं मैं मुझे मीडियम ले लेती हूँ, थोड़ा स्मॉल थोड़ा टाइट। आपको कुछ भेजना चाहे तो भेज सकते। हाँ कुछ भेज देना होते हैं। फराना प्राइस क्यों उतार रही, तो महंगा होता है एस्पायर का। फराना बहुत प्यारा है, शुक्रिया जजाकला, तुमने मेरा दिल जीत हमेशा की तरह। तो ये था मेरा आज इफ्तार दावत का एक व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद करें, अपना बहुत ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।